स्टफिंग देखिए, हाँ, क्या बात है। इसके बीच में आलू है और गोभी है और मिक्स वेज है, काफ़ी ज़्यादा मूली भी है साथ में। और अब खा के बताते हैं कैसा है। वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीथिंग फूड ब्लॉग चैनल। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं गांधी चौक में जो फ्रूट मार्केट है वहाँ पे। कहते हैं कि एक परौंठा लगता है, 30 रुपये का परौंठा देते हैं, काफ़ी जैसे टेस्टी है और बढ़िया है। और देखिए, ये देखिए हम के बीच में है, ये गांधी चौक है और गांधी चौक में बीच में इधर जाइए और यहाँ पे फ्रूट और सब्जी मार्केट है। ये देखिए यहाँ पे सब्जी लगी हुई है और यहाँ से सीधे जाना है, सीधे जाके और आप फ्रूट चाहे तो फ्रूट भी खरीद सकते हैं यहाँ पे। ये बनाना एप्पल लगे हुए हैं और ये देखिए फ्रूट की काफ़ी वैरायटी यहाँ पे मिल जाती है। और ये देखिए ये जो फ्रूट मार्केट है इसके अंदर जाके अभी हमने यहाँ जाना है, उसके बाद हम ये देखिए मार्केट के अंदर लेफ्ट साइड चले जाना है और यहाँ पे भी फ्रूट और सब्जी लगी हुई है और इधर भी देखिए फ्रूट है, काफ़ी ज़्यादा फ्रूट लगे हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे काफ़ी फ्रूट लगे हुए हैं। ये अंकल बनाना बेदा, अंकल जी क्या हाल चाल है? बस थैंक यू। और पाजी की हाल चाल है? ठीक हो? जय शंकर। और ये देखिए ये जो भैया है यहाँ पे, और भैया जी क्या हाल चाल है? ठीक हो? और सुनाइए। सुना है यहाँ पे आप परौंठा खिलाते हो, काफी फेमस है आपका परौंठा यहाँ पे। तो कौन सा परौंठा बनाते हो आप? सारे बनाते हैं, आलू वाला, गोभी वाला, मूली वाला ही। अच्छा, सारा का सारा मिक्स वेज। तो चलो हमें आज चलो नवरात्रों का टाइम है और परौंठा खाते हैं हम और नाश्ता भी मैंने करना है। तो चलो आप हमें एक परौंठा बना के दीजिए और टेस्ट करते हैं कि आपकी क्वालिटी कैसी है। अगर अच्छी क्वालिटी हुई तो आपके पास काफ़ी लोग आएंगे आपका परौंठा खाने के लिए। तो चलो हमें बना के दिखाइए आप कौन सा परौंठा बनाते, कैसे बनाते हो? एक मिनट, आलू गोभी है सर। आलू ये क्या है? ये आलू गोभी है सर। अच्छा, आलू प्याज है, गोभी प्याज और मूली अलग से है। मूली अलग से है, ठीक है। हाँ जी हाँ जी, ऐसे आलू गोभी मूली और प्याज हरी मिर्च वगैरह ना, ठीक है। तो और परौंठे के साथ क्या देते हो सर? दाल होती है कभी राजमा, कभी छोले। कौन सी दाल है? दाल सर चने की दाल है जी। आज चने की दाल है, दिखाना। जैसे ये देखिए ये चने की दाल है और इसके साथ क्या है? आज चने की दाल ही है। हाँ जी सर। तो राजमा भी होते हैं सर, जो चटनी है ये चटनी डालते हो आप, क्या बात है। और ये अचार है सर, और ये अचार भी साथ में देते हैं। तो कितने का परोठा देते हो आप? 30 रुपए का सर। 30 रुपए का, और कहते हैं बड़ा भी काफी होता है। हाँ जी सर, क्या बात है। चलो फिर हमें आज परौंठा बना के दिखाओ और पब्लिक को भी बताते हैं कि ये जो गांधी चौक में फ्रूट और मार्केट है यहाँ पे, क्या नाम है आपका? लेखराज जी। यहाँ पे परौंठा बना के खिलाते हैं। और लेखराज जी, आप कितने परौंठे दिन में बेच लेते हो? 100-150 परौंठा। अरे क्या बात है। ये लेखराज जी है, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। ये देखिए ये सेटअप बनाया हुआ है यहाँ पे, मेहनत करते हैं। मेहनत करने वाले इंसान की हमेशा तारीफ करनी चाहिए। और आप भी इनके पास आइए और परौंठे का मजा लीजिए। पहले मैं आपको खा के बताऊंगा कि इनके परौंठे की क्वालिटी क्या है, उसके बाद अगर पास कर दिया फिर इनके पास आके परौंठे खाने हैं आपने। ये देखिए ये परौंठा अभी बन रहा है। अरे क्या इतना बड़ा है, देखिए 30 रुपए में ये इतना बड़ा परौंठा। एक परौंठे से सर दूसरा खाने की जरूरत नहीं पड़ती है जी, एक ही बस परौंठा काफी होगा ना। हाँ जी सर, क्या बात है। ये देखिए तवे से भी बाहर आ रहा है ये देखिए परोठा, क्या बात है। अरे ये देखिए परोठा पटवा कर लिया। और देखिए ये देखिए ये आप घी डाल रहे हो? हाँ जी सर। अच्छा ठीक है, क्या बात है। ये सिर्फ 30 रुपए में, ओनली 30 रुपए का परौंठा है यहाँ पे, इतना बड़ा परौंठा देखिए 30 रुपए में, ये बात है। और साथ में बोल जहाँ चाय भी कहते हैं बहुत अच्छी मिलती है, सर चाय भी होती है, ठीक है। एक कप चाय भी आप पियेंगे यहाँ पे, क्या बात है। ये देखिए ये देखिए परौंठा का साइज इतना बड़ा है,
और ये तवे से बाहर आ रहा है। लेखराज के कस्टमर है यहाँ पे, आपका भाई क्या नाम है? संजीव। संजीव जी आप भी यहाँ पे लेखराज के परौंठे खाने आते हो? ये देखिए ये परौंठा आया संजीव जी का, आपको कैसा लगता है परौंठा यहाँ पे? बहुत ही अच्छा लगता है जिनका। ठीक है बढ़िया, पास है ये परौंठा? मुझे 15 साल हो गए खाते हुए। अच्छा 15 साल, क्या बात है। लेकिन 30 रुपए में इतना बड़ा परौंठा कहीं भी नहीं मिलता ना? नहीं मिलता। ठीक है ओके, थैंक यू संजीव जी, थैंक यू। तो देखिए पठानकोट की जो सब्जी मंडी फ्रूट मंडी है उसके बीच में से जो लेखराज जी हैं, यहाँ का जो फेमस परौंठा है, हमने 2 परौंठे लगवाए हैं आज, सुबह का नाश्ता इधर ही करेंगे और साथ में क्या चाय भी इनकी बहुत टेस्टी होती है, चाय भी कहते हैं बहुत टेस्टी होती है। तो पहले ये मेरा बेटा मेरे साथ नाश्ता करने के लिए आया है, अब ये मेरा बेटा खा के बताएगा कि कैसा है। बेटा खा के बताओ कि कैसा है, कैसी क्वालिटी है। ये इसके बीच में क्या डाला हुआ बेटा? There is a potato stuffing also and mixed veg, vegetarian parotha. Okay. You also come there and eat there. ये चेक करने लगा है मेरा बेटा, अभी खा के बताएगा कि कैसा टेस्ट है। क्या बेटा? This is a very very yummy and tea also. I am not taking that tea home, but there I drink the tea. This is a milky tea. You also come there and drinking the tea and aloo parotha. अब आपको मैं ये आलू परौंठा है जो वो अभी टेस्ट करके बताऊंगा कि कैसा है। ये देखिए ये इतना बड़ा परौंठा है, ये देखिए और इसकी स्टफिंग देखिए, क्या बात है। इसके बीच में आलू है और गोभी है और मिक्स वेज है काफ़ी ज़्यादा, मूली भी है साथ में। और अब खा के बताते हैं कैसा है। ये देखिए ये साथ में अचार है और साथ में ये येलो दाल है, ये येलो दाल है साथ में, अब दाल लेते हैं। क्या बात है, 30 रुपए में। ऐसा नहीं कि परौंठे का साइज बड़ा है, 30 रुपए में अच्छी क्वालिटी है, टेस्टी है। लेखराज जी क्या बात है, आपका परौंठा बहुत बढ़िया है। आप भी आओ गांधी चौक के सामने जो फ्रूट और सब्जी मार्केट है वहाँ पे आके आप परौंठा खा सकते हो। और इस परौंठे के साथ चाय भी मिलती है, चाय भी बहुत अच्छी है, अच्छी क्वालिटी है, 10 रुपए की चाय है, बहुत बढ़िया है। ओके लेखराज जी थैंक यू, आपने हमें टाइम दिया, एचपी सिंह फूड ब्लॉग चैनल को टाइम दिया और लेखराज का हमने परौंठा खाया, इतना टेस्टी था, इतना बिग परौंठा था, बहुत ही बढ़िया था। और मेहनत करते हैं, जो मेहनत करता है इंसान उसको उसका फल मिलना ही चाहिए। तो आप भी आइए लेखराज जी के पास, गांधी चौक में सब्जी फ्रूट मार्केट है, वहाँ पे आइए, लेखराज जी का काउंटर वहाँ पे लगता है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, क्या बात है। तो लेखराज जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, आपने टाइम दिया।